Good morning, Mr. Hunt. Your mission, should you choose to accept it, is to review the movie Mission Impossible. Good luck. हेलो दोस्तों, इस बार की मूवी चुनी है मिशन इम्पॉसिबल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाल ही में आपने टॉम क्रूज को देखा होगा बहुत सारे स्टंट करते हुए, जैसे कि बिल्डिंग को चढ़ते हुए या प्लेन से लटकते हुए, अंडर वाटर ऑक्सीजन के बिना रहते हुए या हेलीकॉप्टर के बाहर शूटिंग करते हुए। लेकिन इस सीरीज की पहली मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्शन तो था, लेकिन सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई रोमांचक फिल्म थी। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन आप मेरी बात जरूर मानेंगे। मूवी शुरू होती है 6 लोगों से, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स, जिसका नाम है IMF, जो है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। तो उनका अगला मिशन ये होता है कि उन्हें डिस्क रिकवर करनी होती है एक सिक्योर चेंबर में से। लेकिन कहीं से अचानक सारे टीम मेंबर्स की मौत हो जाती है, टीम लीडर की मौत हो जाती है, और सिर्फ एक आदमी बचता है, जो है दैट इज ईथन हंट, है हम सबका फेवरेट टॉम क्रूज। का पूरा गुना टॉम क्रूज के माथे पर आ जाता है कि उन्होंने लिस्ट चुराई, टीम मेंबर्स को मार दिया और टेररिस्ट को लिस्ट भेज दी। कैसे भी करके वहां से बच के निकल जाता है, और पूरी मूवी में यही दिखा है कि वो कैसे डिस रिकवर करके अपनी जान बचाते हैं। उसको नई टीम मेंबर्स की जरूरत होती है। एक कलाकार जो है जॉन वाइट, जो की है लीडर ऑफ द ग्रुप विंग रेम्स, जिसे हम आने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में भी देखेंगे, और जॉन रेनो जो है आर्म्स एंड एमिनेशन एक्सपर्ट, उन्होंने जुरासिक पार्क में भी भूमिका की है। इस पूरी सीरीज का नाम मिशन इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हर मूवी में एक ऐसा सीन होता है, एक ऐसा मिशन होता है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, और उसके लिए सिर्फ एक एक्सपर्ट इंसान की जरूरत होती है। और उस मिशन के लिए प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर प्लानिंग जो एक्सपर्ट पीपल यूज कर सकते हैं उस मिशन को पूरी तरह से पूरा करने के, क्योंकि ऐसे स्पेशल और खतरनाक मिशन में टाइम बहुत कम होता है, जो है टॉम क्रूज। इस मूवी में एक डिस्क एक ऐसे लोकेशन से चुरानी है जो कि टोटली इम्पॉसिबल होता है, और टॉम क्रूज को अपनी नई टीम के साथ उस लोकेशन पे जाके कंप्यूटर को हैक करके डिस्क चुरानी है बिना तीन चीजों को करे हुए, जो है पहली चीज बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि सब लोगों के बॉडी टेम्परेचर अलग होते हैं, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। दूसरी बात, रूम का कोई भी कोना या कोई भी फ्लोर टच नहीं कर सकते, एक ऑफिसर को अलर्ट होता है, कोशिश करने पर अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तीसरी बात, आवाज भी नहीं कर सकते ना अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। और इसी तरह के रोमांचक मिशन, इस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल प्ले एंड अमेज़न प्राइम। ये था मेरा नॉन स्पॉइलर रिव्यू, और मैं चाहता हूँ कि आप देखें ये मूवी को स्पॉइलर के बिना, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी ही रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी, जो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, और अभी भी और 3-4 चीजें और आने वाली है। मूवी काफी अच्छे से बनाई है, आप जरूर देखें। मिशन इम्पॉसिबल की पूरी सीरीज एक टीवी शो से प्रेरित है, जो कि ब्रूस गेलर ने बनाई थी सेम नाम से। जॉन वाइट जो लीडर ऑफ द ग्रुप है, वही मेन विलन है जिन्होंने डेजुरा के पूरा इल्जाम टॉम क्रूज पर डाल दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। अभी किसी की मूवीज की रिव्यू करनी है तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, एंड डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ग्रेट जॉब मिस्टर हंट, ग्रेट मूवी रिव्यू। मैसेज अगले 5 सेकंड में अपने आप तबाह हो जाएगा।